जैसे एक टाइम पे मुझे आई यूज टू प्ले स्नूकर एंड आई स्नूकर बहुत बचपन से खेल रही हूँ बिकॉज माई कजिन्स एंड माई मामूज एंड माई ब्रदर वी ऑल यूज टू प्ले स्नूकर टुगेदर सो हम सारे को ऑल बॉयज सो आई यूज टू जस्ट टैग अलोंग और हम सारे स्नूकर खेले जाते तो उधर से शौक पड़ा एंड देन आई स्टार्ट प्लेइंग स्नूकर एंड देन इवेंचुअली आई थिंक आई गॉट रियली गुड एट इट एंड फिर एक दिन मुझे आर्चरी का शौक चढ़ गया मैंने कहा मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये स्पोर्ट और पाकिस्तान में कोई फिल्मों में देखा था या कुछ कजन्स कह रहे थे नहीं इसमें कुछ नहीं कह रहे थे आई जस्ट वांट टू डू थिंग्स दैट आर डिफरेंट सो आई लाइक आई जस्ट वांट टू डू दैट आर्चरी स्टार्टेड लाइक दैट एंड देन लाइक अब मुझे नया नया शौक चढ़ गया है कैलीग्राफी सीखने का सो अब मैं सोच रही हूँ कि एंड माई दिस ईयर व्हेन आई एम नॉट शूटिंग आई माइट एज वेल टेक क्लासेस फॉर कैलीग्राफी जैसे लोग कुछ हॉबीज करते हैं ना तो उनको थेरेपी होती है वो अपना कुछ कहीं क्रिएटिविटी को अपनी जगाते हैं उसके थ्रू कहीं वो अगर स्ट्रेस हो तो उसको रिलीज करते हैं आर्चरी और स्नूकर आपके लिए क्या करता है इनमें से कुछ भी नहीं या कुछ करता नो आई मीन स्ट्रेस रिलीफ इज इन इट्स अ डिफरेंट इट्स लाइक शौक है आप आई लाइक एडवेंचरस थिंग्स आई लाइक डूइंग थिंग्स मुझे अब आई फील किसी ने कहा था कि अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए लोगों को आपको कोई खुश नहीं कर सकता आप अपने आप को कुछ खुश करते हैं सो आई figure these things out and I think that it makes me happy isme to wo taakat bhi bahut chahiye hoti hogi na ji ha to lag to nahi raha hai matlab itni petite si hai aap mujhe bada azmaye fir main aapko batati hu main bilkul nahi lungi I believe what you think but I'm just imagining ki uske liye thodi extra kya haath mein dard dard hota hoga to hota hai shuru mein hota hai when you start when once you are you practice it and then it just really like aur kitna acha nishana hai aapka nishana bahut acha hai हमेशा से अच्छा रहा ये मैं इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती बट चलिए ओके सो पाकिस्तान के लिए खेलने का कब आपको ऑफर हुई स्नूकर का कैसा आया वो ये दिस वाज लॉन्ग टाइम अगो एक्चुअली आई यूज्ड टू बी प्रीटी डिसेंट एट इट सो हम लोग यहाँ कराची में व्हेन आई मूव्ड टू कराची आई स्टार्टेड प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स हम नीचे एक बेसमेंट एक जगह है किसी कमर्शियल एरिया में तो हम वहाँ जाते थे and so they were all men there they were all guys and I was the only girl maine cap lagayi hui hoti thi aur main snooker khel rahi hoti thi apne friends ke sath so jab koi dekhta tha wahan pe to kehta tha ki ye ladki how is this possible like pakistan mein ladkiyan nahi nazar aati hain aapko khelte hue and so somebody saw me there couple of times and then they approached me and they said that you know would you like to go for this present pakistan in chicago mein ho raha tha wo project tournament So, पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि ओ माय गॉड बट देन इवेंचुअली आई वाज आल्सो मॉडलिंग एंड आई वाज वेरी बिजी इन दैट सो आई वाज लाइक नो यू नो व्हाट दिस इज मोर ऑफ अ हॉबी एंड दिस इज अ करियर थिंग सो हालांकि इट वाज प्रीटी स्टूपिड ऑफ मी आई थिंक दैट आई शुड हैव डन दैट अब मैं सोचती हूँ तो मुझे कर लेना चाहिए था लेकिन या दैट्स हाउ इट हैपेंड तो ये मॉडलिंग में आने का ख्याल कैसा आया हाउ डिड ये दिमाग में शुरू से था जैसे वो बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो बचपन से ही एक्टर और मॉडल बनने का शौक था फेमस होने का शौक था आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट आई मीन एक्टिंग का मुझे हमेशा से शौक था बट नॉट मॉडलिंग मॉडलिंग जस्ट काइंड ऑफ वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी एट दैट टाइम एंड आई वाज वेरी यंग आई वाज माय ए लेवल फर्स्ट ईयर एंड इन इस्लामाबाद एंड उस टाइम पे बस एक चांस ही हो गया था यू नो बाय चांस आई केम इनटू इट एंड देन आई सेड ओके फाइन अच्छा आप ए लेवल्स में थी जब आपने पहली बार मॉडलिंग अदर देन दैट सॉन्ग Yeah, that was the same time. Same time. Because you're talking about shoots and ramp and all that. Yeah, Tariq Amin introduced me. He saw me at a charity show. Islamabad mein ek organize ho raha tha, and some friends pushed me to do it. So उधर आपको ही walk किया आपने. हाँ, पहली दफा गई तो उन्होंने मुझे कहा कि no, you can't do it. Sorry, we're full. हमें पास जगह नहीं है. So I was very heartbroken. I was like, you know what? Forget it. I don't want to do. वो भी charity के लिए कर रही थी. हाँ, वो क्या मतलब? खैर उसमें उसमें पैसों का तो इतना था नहीं मसला कि it was more like you know shock का था. And you're very young. So and then they called me up and said some girl is backed out can you please come I said okay fine I'll come and that's how it happened Tariq was there and Tariq saw me and he said you know you have something and ho gaya fir uske baad modeling went on for like years and then saath acting went on so acting mein kaise aane ka opportunity kaise mili kya point aaya jab aapne socha ki ha ab mujhe again I would say that Tariq Amin referred me Rana Sheikh at that time was looking for a girl in the play
एंड इट वाज पीटीवी का प्ले उस टाइम पे. अच्छा, बहुत पुरानी बात है. और इसमें सानिया सईद और हुमायूं सईद की बेटी का रोल था. अच्छा. जो मैंने कर लिया. और उसके बाद ऑब्वियसली 2-3 सालों के बाद मैं हुमायूं के साथ हीरोइन भी आ गई. लेकिन वो मैं उसको अभी तक तंग करती रहती इस बात पे. यू नो व्हाट, मेन इन पाकिस्तान डोंट एज, सो इट्स लाइक हाउ इज दिस अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग दैट आई प्लेड योर डॉटर्स रोल फर्स्ट एंड नाउ देन आर लेटर. पता है, ये बात मैंने कहीं और भी आपकी पढ़ी थी और फिर मैं उस वक्त से वो प्ले ढूंढ रही थी कि ये कौन सा वाला प्ले था जिसमें आपने, इट वाज माय फर्स्ट प्ले, लेकिन वो मुझे उसका कहीं यूट्यूब पर शायद अब नहीं, अभी मुझे नहीं नजर आया. मैंने बहुत सर्च किया. आई वांटेड टू सी वो कौन सा ड्रामा था और हमारी कैसे लग रहे थे. इट वाज कॉल्ड शायद के बाहर आए, शायद सुल्ताना सिद्दीकी का प्ले था जी. ओके ओके. सो कैसा था जब पहली बार आपने एक्टिंग की, वो भी हुमायूं सईद और सानिया सईद के सामने? आई वाज फुल कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक कर दूंगी मैं. हाँ. कोई मसला कोई ही नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था, कोई डर नहीं लगा था, कोई परेशानी नहीं थी कि यार मैं. I was very confident about that, but I would always recognize the fact that Sanya really helped me initially. Because Sanya ने मुझे बड़ी help की शुरू में, pauses ये वो चीजें. Because obviously I was completely raw. Of course. So I was like, I had no idea, but I was just delivering lines और ये वो सारी बातें. But Sanya and I was a fan of Sanya actually. So मुझे Sanya से इसके drama और Sanya was like, I was a bit of a starstruck moment was with Sanya से. Not with Hamayu that much, but with Sanya I was. So yeah, I was a fan of Sanya. तो वो सानिया ने खुद अप्रोच किया आपको कि ऐसे ऐसे करो या आप जाके कंसल्ट करती थी? She was very very nice and caring and she said कि छोटी बच्ची है, अभी इसको समझाऊं थोड़ा सा, बहुत तेज बोल रही है ये वो, हालांकि and then just took off like that. अच्छा, बोल मेरी मछली में मैंने जाके थोड़े से क्लिप्स देखे आपके, वो आपका आई थिंक जियो पे पहला प्ले था, जियो पे से पहले आई थिंक एक आध शायद मैंने पहले कर लिया था जियो के लिए, बट वो ज्यादा आई मीन इट वाज रिसीव्ड वेल. बड़ी उसकी मजे की कास्ट थी उसमें, काफी आयशा खान, दरीम शहूद, काफी लोग थे उसमें. अच्छा, मैंने जाके देखा और मुझे आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद योर एक्टिंग स्किल्स देयर. अच्छा, और मुझे लगा कि वो पहला आपका प्ले है ना, मुझे उससे पहले पीटीवी का नहीं इन्फॉर्मेशन मिली थी. Right. मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मॉडलिंग से आई ड्रामे में इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है. आई मीन देयर इज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मॉडल्स एक्टिंग में आ जाती हैं उनका थोड़ा मसला होता है हमेशा, दे डोंट एक्ट वेल. बट आई एक्चुअली थिंक कि बहुत सारे हैं यार, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडलिंग से जंप किया एक्टिंग में, एंड सम ऑफ देम हैव एक्चुअली मेड इट. सो आई ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग, मुझे हमेशा से शौक. बचपन में क्या होता था वो जो हम सुनते हैं कहानियाँ या लोग बोलते हैं कि हम गाने गाते थे या प्रिटेंड करते थे कि हमारी ये फेवरेट एक्ट्रेस है तो हम ये बन गए, ऐसा कुछ तूबा करती थी? बहुत सारी ऑस्कर स्पीचेस लगाई है. हाँ, बहुत जितने कितने कितने सारे थे, जितने अवार्ड फंक्शंस होते थे, आई यूज़ टू गेट रियली लाइक वर्क्ड अप एंड आई वाज़ लाइक यू नो, मैं भी कोई शैम्पू की बॉटल पकड़ के या कोई चीज़ पकड़ के मैंने पूरी पूरी स्पीचेस, मुझे मिल गया और अब मैं दे रही हूं, मुझे ये हो गया. या सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हेन यू यंग यू वांट टू, और एक्टिंग का शौक भी था तो इसलिए फिर हो जाता है. लेकिन कभी किसी का वो नहीं क्या, किसी फिल्म का कोई एक्ट कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ या डायलॉग्स बोल रही हूँ? बहुत किए हैं, रटे हुए थे मैंने उस टाइम पे. कौन सा फेवरेट जो सबसे ज़्यादा करती थी? मैं माधुरी की बहुत फैन थी बड़ी. आई एम अ बिग माधुरी फैन, श्रीदेवी ऑल्सो. सो वो वाले डायलॉग्स, देन देयर इज लाइक गॉड फादर के डायलॉग्स हो गए या यू नो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें. So माधुरी का कौन सा, हमें कुछ जल्दी बताएंगी क्या होता था, कैसे माधुरी बनती थी आप? मैं एक्चुअली बड़ी आपने फनी बात कर दी, कुछ हम अभी खुदा और मोहब्बत जो कर रहे हैं उसके अंदर सब तंग करना शुरू हो गए कि चंद्रमुखी का रोल जो है ना ये रोमाना टाइप सा रोल, बिकॉज शी इज ऑब्वियसली अ कोर्टिसन प्लेइंग दिस रोल. एंड उसमें मैं और वजाहत हमेशा हर वक्त ना पीछे गाने लगा के देवदास की हम अपनी बातें और ये वो. तो एक दफ़ा वजाहत ने कहा कि आप इतनी बड़ी फ़ैन है माधुरी की, मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं आपको पूरा डायलॉग सुना देती हूँ. तो मैंने पूरा वो एक देवदास की ना एक वो एक मोनोलॉग था जो कि मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, उसकी वो लाइन सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता टॉफी दिखा के कि मैं अंदर से आपको मैं चॉकलेट दूंगी नहीं. no, तो दो लाइन, बट इट वाज अ फन थिंग, इट वाज आई लाइक इमिटेटिंग एक्टर्स, मुझे मजा आता है. मतलब सारे एक्टर्स बोल के आप खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है. मैं तो गलती हो गई बोलने से. इसके बाद बोला मुझे आई लाइक इमिटेटिंग, इट वाज वो मुझे पता है क्योंकि आप ब्रिटिश एक्सेंट टर्निंग इनटू पंजाबी भी बड़ा अच्छा करते हैं. मुझे एक्सेंट्स का भी शौक है, सीखे हुए हैं चीजें. बट माधुरी की दो लाइन से सुना दें, हमें भी तो ट्रीट कर दें. अच्छा, उसी फिल्म का पूरा पूरा मोनोलॉग नहीं कह रही, नहीं नहीं पूरा पूरा नहीं बोल, दो से तीन लाइंस. नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो हम तवाइफों की जरूरत ही क्या थी,
उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता. So it's like that. I can't do it right now. On camera, I'm not doing it. पूरा थोड़ी बोल रही हूँ. And of course, yeah, that's all. अच्छा अच्छा, okay. So films offer कैसे आई? पहले modeling, फिर drama, फिर films. और did you feel at that time कि ये सही time है, मुझे film में आना चाहिए, थोड़ा wait करना चाहिए? Yeah, मुझे लगता है मैंने बहुत wait कर लिया. मुझे उस वक्त आई नहीं, because I was a long time ago when I was actually doing a film with Saqib Malik. And that got shelved right 3-4 din pehle wo shelved ho gayi thi. Sarmad nahi likhi thi wo film. Okay. And sadly that didn't happen at that time. And then I waited. I went into dramas because mujhe bahut shauk tha films ka us time pe. And then I got married and then I left Pakistan because I was so tired of doing the same dramas. I was like, bas ho gaya na, ab kitna aur to kuch inhone karna nahi hai. So 2012 ki baat kar rahe ho? 2012 ki baat. Jab aap Pakistan. Yeah, when I left Pakistan. Because 2012 se 2017 ka gap hai. Yeah, 2012 se 2016 tak. 16 tak. So 4 years I wasn't here. I was like, you know what, I'm done with this. Mujhe nahi karni, main thak gayi hu. Khub sare ek jaise drama kar diye. जब आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट उसको लाइक आखिरी साल में आई स्टार्टेड मिसिंग इट अ लिटिल एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट आई कांट टेक दैट आउट नाउ इट्स इन मी मेरे अंदर है एक वो कहते हैं ना कीड़ा है आपके अंदर आपका यू लाइक एक्टिंग तो वो वाली चीज थी एंड देन आई केम बैक एंड मेरीन ऑफर्ड एक्चुअली आई डिड दिस सॉन्ग फॉर रॉन्ग नंबर जी वो किया वो भी बैठे बैठाए आ गया बिकॉज दे ऑफर्ड मी एंड आई सेड यू नो या ओके फाइन व्हाई नॉट कर लेते हैं देख लेते हैं करके वो तो थोड़ा वो भी हो गया ना काफी वो कमर्शियल था काफी एंड देन मेरीन जबार इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन सो शी वाज डूइंग अ फिल्म इन न्यूयॉर्क एंड शी सेड डू यू वांट टू डू इट आई सेड या आई लव टू व्हाई नॉट इट विल बी फन एंड दैट कास्ट वाज अ लॉट ऑफ फन सो एवरीथिंग वाज इट वर्कड आउट